Hello everybody, assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Fashion Today Pakistan. हम अपनी आज की वीडियो में स्कूल टीचिंग जो जॉब्स क्राइटेरिया है और उसके बारे में तमाम जो मालूमात हैं वो आपको फराहम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो जॉब्स है ऑल ओवर पंजाब में अभी शाया नहीं हुई हैं, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही ये शाया होंगे तो हम इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करेंगे। फ़िलहाल ये 6 जो है अजला हैं उनमें हैं मियाँ वाली, गुजरांवाला, रहीम जान खान, डेरा गाजी खान, सियालकोट और राजनपुर। ये 6 अजला हैं जिनमें ये जो है जॉब्स अनाउंस हो गई हैं। इनमें क्वालिफिकेशन जो है प्राइमरी जो है सेकेंड डिवीजन एलिमेंट्री है, सेकेंड डिवीजन और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी बीए बीएससी है और ये भी इन्होंने बीएससी जो है सेकेंड डिवीजन है। अच्छा, मेल्स की जो इन्होंने मिनिमम एज रखी है रिक्वायर्ड है वो है 20 इयर्स और मैक्सिमम है 50 इयर्स, और फीमेल्स की जो है 20 ईयर है और मिनिमम मैक्सिमम जो है 55 ईयर्स है, और मैट्रिक के जिन्होंने मार्क्स 55 है, इंटर के 15 है, ग्रेजुएशन के 15 है, मास्टर्स के 10 है, बीएस के 25 है, इंटरव्यू के लिए 5 मार्क्स आपको देंगे, और इसी तरह जो मैट्रिक है ये इन्होंने रखा हुआ है मैट्रिक लेवल्स के स्कूल्स के लिए, सेकेंडरी स्कूल्स के लिए उन्होंने मैट्रिक के 15 है, इंटर के 55 है, ग्रेजुएशन के 15 है, मास्टर्स के 10 है और बीएस के 25 है और इंटरव्यू के भी 5 मार्क्स हैं। ये इनका क्राइटेरिया है सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी जो लेवल्स के लिए। अच्छा, फिर इन्होंने 15 मार्क्स हैं इंटर के, मैट्रिक के 15 है, ग्रेजुएशन के हैं 2 ईयर के 55 मार्क्स हैं और मास्टर्स के 10 मार्क्स हैं, बीएस के 65 है और इंटरव्यू के 5 मार्क्स हैं, और इसी तरह जो है ये 15 जुलाई को जो है अनाउंस की जाएंगी, और जो इनकी इंटरव्यू की डेट होगी वो 2019 जुलाई को होगी, मतलब 15 जुलाई को जो है ये अनाउंस होंगी, और इसके अलावा जो है 19 जुलाई को इनकी मेरिट लिस्ट लगेगी, 20 जो जुलाई होगा 3 अगस्त तक जो है इंटरव्यू होंगे, और 23 जुलाई तक जो है 4 तक जो है फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। इसके अलावा जो है 5 अगस्त से 11 अगस्त तक ये आलमोस्ट जो लोग हैं इंटर्नशिप पे ज्वाइन कर लेंगे। इनकी जो है 1 अकेडमिक सेशन और टिल द अराइवल ऑफ रेगुलर जो है कॉन्ट्रैक्ट हैं, इन केस एनी वीकेंट सिचुएशंस ऑकर और इंटरनी डिजाइन और इन इट। अच्छा, इन्होंने फिर जो है टर्म्स ऑफ ओनरशिप भी लिखी हुई हैं, ये जो है टेम्परेरी भी होंगी और अरेंजमेंट जो होगा स्टॉप गैप होगा विच कैन बी इंटरमीडिएटेड बाय द सिलेक्शन कमेटी एट एनी टाइम ड्यू टू अनसेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस, मतलब अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो ये आपको किसी भी टाइम निकाल भी सकते हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग पीरियड वजह से जो है एससीटीआई जो है विल हैव इंश्योर एक्सेप्टेड पार्टनरशिप लेटर विद इन 7 दिनों के अंदर अंदर इनको ये मिल जाएगा और लीव टू ग्रेजुएट लीव पर मंथ, और इनको जो है जो सीटीआईस होंगे ये 1 महीने में 2 लीव भी ले सकते हैं, जो आपको अपनी हेड से जो उस जिस भी स्कूल में आप पढ़ा रहे होंगे जहाँ आप जॉब कर रही होंगे एज ए सीटीआई, तो आप वहाँ पर 2 जो है ले सकते हैं लीव्स ले सकते हैं, और उन लीव्स में आपकी जो पे है वो भी डिटेक्ट नहीं होगी। अभी डिफरेंट जो है इनकी पॉलिसीज आती रहेगी नेक्स्ट, और इसके अलावा नो जो है प्लेसमेंट शुड नॉट कन्फर्म जो है राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट। अच्छा जी, इन्होंने अभी ट्रांसफ़र है वगैरह भी सारी जो है, मतलब इन्होंने जो ये सीटीआईस की जॉब्स हैं बजाय इसके कि ये आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करते हैं, इन्होंने ये आई थिंक 2 ईयर्स के लिए होंगी, जब 1 ईयर के लिए होंगी, परमानेंट नहीं है, ये किसी भी टाइम आपको निकाल सकते हैं, तो बेहतर है कि सब लोग जो है इसके लिए अपील करें कि हमें जो है बजाय इसके कि सीटीआई भर्ती करें आप कॉन्ट्रैक्ट पे बच्चों को भर्ती किया जाए, क्योंकि एक ये है कि बच्चों की एज ज़्यादा हो रही है, मोस्टली लोग होते हैं जिन्होंने मास्टर्स कर लिया होता है तो उनकी एज का बहुत इसमें जो है प्रॉब्लम हो क्रिएट होता है, जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं तो आपकी जॉब अगर ओवर एज होते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं,
तो अगर आप इस तरीके से जो है जॉब्स करते रहेंगे तो ये बहुत मैटर रखती है। अच्छा, फिर इन्होंने जो है क्वालिफिकेशन भी दे दिए, प्राइमरी मैट्रिक जो है सेकेंड डिवीज़न है, एलिमेंट्री भी सेकेंड डिवीज़न है, हायर जो है सारी इन्होंने। एज आपको ऑलरेडी मैंने बता दी है 22 मैक्सिमम है 50 ये है मेल्स की और 22-55 है फीमेल्स की। अच्छा, इन्होंने जो सैलरी रखी है प्राइमरी की 18 है, एलिमेंट्री की 20,000 है और सेकेंडरी की 25,000 है और हायर सेकेंडरी मतलब कॉलेजेस में अगर हम जाते हैं तो ये 30,000 जो है इन्होंने जी आपकी वे नो डाउट इन्होंने वे पैकेज अच्छा रखा हुआ है। तो बट बेहतर है कि आप अपने टाइम वेस्ट करें, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और ये एक्सपीरियंस बहुत बेनिफिट होता है जब नेक्स्ट आप जॉब करते हैं, आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आप जब रेगुलर पढ़ा रहे होते हैं तो इसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें गेन करते हैं, स्टूडेंट से आपका कॉन्फिडेंस बहाल होते हैं और वो टाइम पीरियड जो आपने जॉब करके घर पर गुजार रहे होते हैं तो वो आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल नहीं होता है। जब आप बच्चों को पढ़ाने लगते हैं तो वो बहुत सी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, बट बेहतर है कि इसके साथ साथ जो है आप अपने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते रहें। ये फिर उन्होंने मार्क्स मतलब इसके अंदर जो है टोटल इनका क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, फर्स्ट होनी चाहिए, मतलब इन्होंने इसके अंदर डिवीजन्स, आपकी एज, आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है मतलब प्राइमरी वाले स्कूल में जिन्होंने अप्लाई करना है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मिडिल वालों के लिए क्या रिक्वायर्ड है, हाई स्कूल के लिए क्या रिक्वायर्ड है और हायर एजुकेशन जो है उसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ये सारा इसमें हम लोगों ने मेंशन भी कर दिया। इसके बाद जो ऐड आएगा 15 जुलाई को उसके अंदर भी मज़ीद सारी डिटेल जो होंगी आप लोगों को मैसर हो जाएंगी, मतलब हमने सिर्फ आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है ताकि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अगर नहीं है तो आप हमारी पोस्ट से थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा के आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी, आपने कैसे हैं, कौन सी डेट है इंटरव्यू की और ये सारी डिटेल्स जो हैं आप लोगों को मेंशन है। अच्छा, इन्होंने भी लिखा हुआ 15 जुलाई को आपने जो होता है वो डेट हो जाएगी एप्लीकेशन सबमिशन की और इंटरव्यू है 19 को और जो 23 अगस्त तक फिर इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट 23 से 4 तक ये जो है अनाउंस सारी आपको मतलब 10 से 15 दिन में ये सारा जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी। तो बेहतर है कि आप इस पर भी अप्लाई करें और साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करते रहें, समथिंग इज नॉट बेटर देन नथिंग वाली बात है, मतलब कुछ फ्री रहने से बेहतर होता है कि आप कोई ना कोई जॉब कर लियो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काली इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें, बहुत शुक्रिया।